माई चैंपियंस, कैसे हैं भाई आप सब लोग। मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ टू ई विद्यार्थी डॉट इन। और इसी वॉर्म वेलकम के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं यहाँ से, ठीक है। साथ साथ मैं रीड कर रही हूँ और आपको पता है ना आपको क्या करना है, आलसियों की तरह नहीं बैठना है, बुक खोलो, पेज नंबर मेंशनड है, क्वेश्चन देखो और फटाफट से समझो। So, one card is drawn from a well-shuffled card of 52 cards, ठीक है, deck of 52 cards. Basically, ये जो हमारे playing cards होते हैं, जो कि आपको देखते होंगे कई बार कि कुछ fields होते हैं ना, ऐसी खाली मैदान अगर पड़ा है या फिर पार्क है, तो वहाँ पर दोपहर को कभी देखना कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, थोड़े से बुढ़े लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद वाले कुछ भी, तो वो अपने दोस्तों से मिलने का उनका ना एक तरीका होता है कि चलो यार ताश खेलते हैं, है ना, कार्ड्स लेके बैठ जाते हैं और फिर पूरी दोपहर उनका कुछ चलता है, ऐसा गेम वेम चलता है जो भी। तो सबसे अच्छे कार्ड्स अगर आपको कोई खेलने सिखा सकता है तो वही लोग हैं। बट क्योंकि हमें अभी खेलना नहीं सीखना है, हमें तो बस अपने मार्क्स चाहिए और हमें मतलब है कि हम इसको यहाँ पर कैसे हमें अटेम्प्ट करना है वो हम समझें, है ना। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमने अच्छे से कार्ड्स को ना शफल कर लिया। शफल करने का मतलब होता है कि हमने उसको, आप लोगों ने शायद ये सुना हो कि हमने उसकी फैटी मार ली, ठीक है। सो इस तरीके से कार्ड्स को फटाफट से शफल किया जाता है, सो दैट कि उनका अरेंजमेंट बिल्कुल रैंडम रहे, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस रैंडम अरेंजमेंट व्हाट वी नीड टू टेल इज प्रोबेबिलिटी, हमें किसकी बतानी है, कैलकुलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट दी कार्ड विल बी एन एस। हम एक कार्ड उसमें से निकाल रहे हैं, टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हम उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं और वो कार्ड आपका एस का पत्ता है, यानी कि इक्का। तो ये मुझे निकालना है, ये मेरा एस है। बट सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब हुआ कि टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, हमारे पास टोटल कार्ड्स है 52, ठीक है। अब आप ये देखो कि 13 पत्तों के चार ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में ना चार रंग के कार्ड्स होते हैं, जिसका जैसे एक, सपोज अगर मैं आपको बताऊं, एक पान होता है, एक ईट होता है जिसको डायमंड भी बोला जाता है, एक हुक्कुम होता है और एक आपका होता है चिड़ी, ठीक है। सो हुक्कुम और चिड़ी जो है वो ब्लैक कलर्स की होती है, मुझे लगता है देखा तो आप लोगों ने हो गई। और जो आपका पान होता है, ईट होता है, उसको इंग्लिश में डायमंड बोला जाता है और पान को हार्ट बोला जाता है, अलग अलग नाम इनके होते हैं, तो वो जो है आपके रेड कलर में होते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि 13 ग्रुप्स मेरे पास हैं, ठीक है ना, ये 13 ग्रुप्स में 13 पत्ते, हर ग्रुप में 13 पत्ते, सपोज अगर मैं यहां पर रेड वाले पान की बात करती हूं, अगर इसके पास 13 पत्ते हैं, तो 13 पत्ते कहां से स्टार्ट हुए, सबसे पहले बी कह रही हूं, ए मतलब कि 1 को ये ए डिनोट करते हैं, फिर 2 3 करते करते 10 तक तो आपके पास ये वाले कार्ड्स हो गए। अब 3 और बचे हैं ना, तो एक होता है जे, जिसको हम 11 नंबर के तौर पे लेते हैं, फिर एक होता है गुलाम, हिंदी में गुलाम बोला जाता है, उसको यहाँ पर क्यू, क्वीन बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक हमारा होता है के फॉर किंग। तो यहाँ पर इस तरीके के आपके पास पत्ते हैं, तो टोटल आपके पास 13 हो गए। अब हमसे पूछा है कि ये तो 13 आपके पास चार ग्रुप है ना, तभी आपके पास टोटल कार्ड 52 हुए। तो आप बताओ कि अगर मैं सब 52 कार्ड्स में से कोई भी एक पत्ता उठाती हूँ तो हमारे पास एस कितना होगा, भाई इसके पास भी एक ही इक्का है, ठीक है, इसके पास भी एक ही इक्का है, इसके पास भी एक ही इक्का है और इसके पास भी एक ही इक्का है, तो इसका मतलब है टोटल जो इक्के हमारे पास हैं वो हैं चार। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे रहेंगे, फेवरेबल आउटकम के लिए ये एक इवेंट है ना, तो उसको मैं ई से डिनोट कर दूं, तो लो मैंने ई से डिनोट कर दिया, फेवरेबल आउटकम मेरे पास चार आ गए ना, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे चार हो गए। अब आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि भाई एक इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम विच इज 52, सिंप्लीफाई करेंगे 1/13 विल बी द आंसर, क्लियर है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, चलिए मूव करें अपने सेकंड पार्ट पे। अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है नॉट बी एन एस, यानी कि इक्का नहीं चाहिए,
ठीक है। अब देखो बिल्कुल इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। हमें अब सब पत्ते चलेंगे, हमें बस इक्का नहीं चाहिए। तो भाई हमें पता है कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी है एक एक 1/13, है ना, 1/13, ठीक है। तो अब अगर मुझे चाहिए कि इक्का ना आए, यानी कि ये कंप्लीट ऑपोजिट है, तो हम कंप्लीट ऑपोजिट वाले केस में क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम मेरा क्या होगा। देखो इसको मैं एफ ले सकती हूँ, कुछ भी आप ले लो, एफ जी एच आई जैसा भी आपको लेना है, बट टोटल होता है 1। इससे पहले मैं निकाल चुकी हूँ 1/13, यानी कि हैविंग एन एस। डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन नहीं लिख रही हूँ, आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। देखो 1 - 1/13 मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये जो 1/13 है ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैविंग एन एस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अभी आपने निकाला है, सो अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँगी क्या आ जाएगा, 13 का एलसीएम लोगे, 13 - 1/13 विच इज इक्वल्स टू 12/13। तो बस इसी तरीके से अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि हमारे पास टोटल हैं 52 पत्ते, इक्के होते हैं 4, तो रिमेनिंग कितना होगा, है ना, रिमेनिंग भी हम निकाल सकते थे। मैं दोनों मेथड से बता देती हूँ जिससे कि किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन इस चीज़ में ना रहे, आप में से किसी को भी, कि भाई इससे करूँ उससे करूं, कि आंसर तो नहीं चेंज हो जाता, नहीं होता। रिमेनिंग हमारे पास 52 में से 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। अब आप क्या करोगे, अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये देखो 48 कितने में से, टोटल 52 में से आ गया ना 12/13। तो इसलिए इतनी कैलकुलेशन भी मुझे क्यों करनी है, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं उसे 1 में से माइनस करके निकाल सकती हूँ, है ना। तो बस इतना करो, काम ख़त्म, फटाफट होगा भी और कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए एवरीवन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।